कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी कथित ब्रिटिश नागरिकता के मुद्दे पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी को जवाब भेज दिया है। अपने जवाब में राहुल गांधी ने खुद को सिर्फ भारतीय नागरिक ही बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता वाली आचार समिति की ओर से भेजे गए नोटिस के जवाब में राहुल ने अपने ऊपर उठती दोहरी नागरिकता के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया है। समिति सचिवालय को 23 मार्च को दिए गए अपने जवाब में राहुल ने कहा, मुझे हैरत हो रही है कि आचार समिति ने एक ऐसी शिकायत का संज्ञान लिया जो सही नहीं है। यह मुझे बदनाम करने की कोशिश है। मैंने ना तो कभी ब्रिटिश नागरिकता मांगी है और ना ही कभी ली है। मेरी पहचान एक भारतीय की है। राहुल गांधी ने सुब्रमण्यम स्वामी को चुनौती दी है कि वो उन दस्तावेजों को सबूत के तौर पर सामने लाएं जिसमें उनकी ब्रिटिश नागरिकता की बात शामिल की गई है। राहुल ने बड़े विश्वास के साथ स्वामी को चुनौती दी है कि वो उनका ब्रिटिश पासपोर्ट नंबर और संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक कर उनके ब्रिटिश नागरिक होने का सबूत सामने लाएं। राहुल ने कहा, नागरिकता एक तथ्य होती है और यदि उन्होंने कभी ब्रिटिश नागरिकता मांगी या हासिल की हो तो वह ब्रिटिश कार्यालय के अधिकारियों के दस्तावेजों का हिस्सा होगी। शिकायत करने से पहले ये तथ्य हासिल किए जा सकते थे। और इसी के साथ राहुल ने शिकायतकर्ता पर सरासर गुमराह करने का आरोप भी लगा दिया। वही पलटवार करते हुए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल को बेवकूफ करार दिया। अब राहुल ने गेंद सुब्रमण्यम के पाले में डाल दी है तो साफ है कि अब राहुल को बेवकूफ कहकर स्वामी कन्नी नहीं काट पाएंगे। देखते रहिए डीवी लाइव।